का ब्लॉग, और ये है स्नोफॉल इन मसूरी। लास्ट ईयर फेब में मैं मसूरी गई थी और मेरा मन था कि मैं स्नोफॉल देखूं वहाँ पे, बट जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे मसूरी में एकदम ही स्नोफॉल होने लगा और इतना हैवी स्नोफॉल हुआ और इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय किया मैंने वहाँ पे। पूरे दिन हम घूमे और ऊपर टॉप पे भी गए थे हम बाय रोपवे, और काफ़ी मतलब इन्जॉय करते रहे हम। और आप देखिए मेरी वीडियो, आगे मैं दिखाऊंगी कहाँ कहाँ घूमे, इतना एंजॉय किया हमने। आइए चलते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं इतनी स्नो पड़ी है कि हमें लग रहा था शायद जाते जाते रास्ते में रोड ब्लॉक्स हो जाएंगी, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था उस दिन। और मौसम भी बहुत ख़राब था एकदम से, दिन में मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया अंधेरा अंधेरा आप देख रहे हैं, और थोड़ा डर गई थी मैं, बट थोड़ा मतलब इंतज़ार किया हमने और उसके बाद स्नोफॉल बंद हो गई, फिर मौसम साफ भी हो गया था दिन में। और उसके बाद मैं घूमने गई आगे, देखिए इसके बाद मैं रोपवे में गई थी, ऊपर टॉप पे ले जाते हैं। इसमें 200 का टिकट था पर पर्सन लास्ट ईयर, और ऊपर वहाँ से चीन की दीवार दिखाई देती है, थोड़े व्यूज़ हैं जहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं और वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, मैंने भी बनाई थी। और बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, बहुत ही मतलब अगर आप जाएंगे अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इन्जॉय करेंगे। रोपवे में ज़रूर घूमिएगा, वहाँ के व्यूज़ मसूरी के व्यूज़ इतने सुंदर हैं कि आपका मन मोह लेंगे, तो आप एक बार जरूर घूमने जाइए और देखिए फिर आगे। और देखिए शाम के टाइम कितना प्यारा मौसम हो गया, लाल लाल बादल दिखाई दे रहे थे और एकदम लालिमा छाई हुई थी। मैं बताना चाहूँगी जब भी आप मसूरी जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वेदर थोड़ा, क्योंकि ऊपर ठंडा रहता है काफ़ी ऊंचाई पे है मसूरी, तो आप गर्म कपड़े ज़रूर रख के ले जाएँ। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ज़रूर ही आपको ठंडे मतलब गर्म कपड़े रखने चाहिए। और अगर मौसम साफ़ हो जाता है तो थोड़ी देर में वहाँ धूप भी निकल आती है, पहाड़ों में ऐसे ही होता है, कुछ देर में आपको धूप दिखाई देगी और कुछ ही देर में आपको बिल्कुल ठंड महसूस होएगी। इसलिए अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ज़्यादा केयरफुल रहें और अपने कपड़े ध्यान से ले जाएं। और देखिए रात में वहाँ पे इतना अच्छा मतलब मन लगता है कि यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इतना बड़ा पार्क बना हुआ है वहाँ पे, और वहाँ बैठ के इतना आनंद आता है कि मतलब आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप अपने साथ बच्चों को भी ले जा रहे हैं तो बच्चों के लिए वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, मतलब स्केटिंग कर सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। Thank you.
टंकी तुम्हारे पीछे पर पे है। चलो अगर आपको मेरी ये मसूरी स्नोफॉल की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और मैंने मसूरी की इससे पहले भी एक वीडियो डाली है और वो डाली है देहरादून टू मसूरी, मतलब आप कैसे जा सकते हैं और वेदर के बारे में बताया है बाद में। और एक सेकंड वीडियो भी डाली थी मैंने, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए देहरादून मसूरी सभी जगह की वीडियोस। You wanna talk about it? You couldn't live without me. You know you had your chance. It's over. So just go. Just go on. So just go on.
जाना है। एक लाइब्रेरी चौक है और एक पिक्चर पैलेस है, दोनों का ही टिकट मिलता है। पिक्चर पैलेस से आप लाइब्रेरी चौक तक जा सकते हैं घूमने माल रोड पे, और लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक जा सकते हैं। और अगर आप बाय बस जा रहे हैं तो उसमें टिकट भी मिलता है। पिक्चर पैलेस से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और वहीं पे बस सर्विस